नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत मिल गई है। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मोतीश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह और समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। जमानत की मांग करते हुए दंपति ने सोमवार को अदालत का रुख किया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। रेपो रेट बढ़कर 4.4 हो गया है। उन्होंने कहा है कि मार्च 2022 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में 7% की तेजी विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 12 खाद्य उप समूहों में से 9 ने मार्च के महीने में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की है। 3 यूरोपीय देश की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को बर्लिन से यहां पहुंचे मोदी ने डेनमार्क की राजधानी में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के इतर स्टोर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोनास गेहस्टोर ने कोपेनहेगन में मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और विकास संबंधी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। तृणमूल कांग्रेस ने क्रिकेटर और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी का गोवा प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कीर्ति आजाद को टीएमसी द्वारा तत्काल प्रभाव से गोवा इकाई का राज्य प्रभारी नियुक्त किया जाता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी अध्यक्ष ममता बैनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में लोकसभा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को तत्काल प्रभाव से गोवा का राज्य अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। प्रसन्नता हो रही है, हम उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की सक्रियता अगले कुछ महीने कम हो सकती है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट फिर से उभर सकता है। बेशोरबा के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव के शोधकर्ताओं ने एक नए शोध में ऐसी आशंका जताई है। उनके निष्कर्ष पीयर रिव्यू जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट में प्रकाशित हुए हैं, जिसका शीर्षक था मैनेजिंग अ इवॉल्विंग पैंडेमिक क्रिप्टिक सर्कुलेशन ऑफ डेल्टा वेरियंट। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निधि केसरवानी इस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के अधिकार को पलटने के आदेश लीक होने के बाद से अमेरिका में लोगों का भारी विरोध जारी है। इस बीच मंगलवार को एक गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित 60 मंजिला टावर पर वो चढ़ गया। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे टावर से सुरक्षित उतारकर हिरासत में ले लिया है। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर मेसन डैस्ट्रम्स के नाम से जाने जाने वाले कार्यकर्ता ने खुद को प्रो लाइफ स्पाइडरमैन के रूप में वर्णित किया है और यहां तक कि टावर पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलने से सियासी पारा गर्मा सकता है। साउथ एमसीडी में आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। साउथ दिल्ली में शाहीनबाग का इलाका भी है जो सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहा था। विपक्ष दल अभी से ही इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली निगम के मेयर इसे सामान्य कार्रवाई का हिस्सा बता रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में मृत्यु पंजीकरण में वृद्धि का कारण पूरी तरह से कोविड से हुई मौत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसियों द्वारा भारत के संबंध में कोरोना वायरस जनित बीमारी से हुई मौत की संख्या बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित करना बंद होना चाहिए। कोविड 19 कार्यबल के प्रमुख पॉल ने लॉसेंट में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच कोविड से जितने लोगों की जान गई है वो बताई गई संख्या से 8 गुना ज्यादा थी। जानकारों की माने तो भारत ओपेक और अन्य तेल उत्पादकों के साथ सौदा करने से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए रूस से क्रूड ऑयल की खरीद पर भारी छूट लेने के फिराक में है। बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन के कारण अन्य खरीदार रूस से मुंह मोड़ रहे हैं। दक्षिण एशियाई देश रूस के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में तेल खरीदने के लिए फंड जुटाने के लिए आ रही बाधाओं की भरपाई के लिए वितरण के आधार पर $70 प्रति बैरल से कम दर पर रूसी कार्गो से क्रूड ऑयल सप्लाई की मांग कर रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लोगों से लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ का आग्रह करने के एक दिन बाद बुधवार को मुंबई और आसपास के शहरों में कई स्थानों पर भारी सुरक्षा तैनात की गई। एक अधिकारी ने बताया कि लाउडस्पीकर से अजान की आवाज सुनी गई। कई मस्जिदों में सुबह की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। खुद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा तैनाती का जायजा लेते देखे गए। कुछ स्थानों पर मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई थी और सुबह से ही वाहनों की जांच भी की जा रही है।
भारत में एक दिन में कोविड 19 के 3205 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,88,118 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 19,509 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 3100 लोगों की जान गई है और जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,920 हो गई है। वहीं देश में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार का इरादा भारत को खेल राष्ट्र में बदलने का है, ताकि वो 2047 तक खेलों के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो सके। भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा। शाह ने इसके साथ ही कहा है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल का उद्देश्य भारत को शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करना है। भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जरूरी सूचना जारी कर दी है। कहा है कि पढ़ाई के लिए पाकिस्तान ना जाए, वरना आप भारत में नौकरी या उच्च शिक्षा के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले यूजीसी और AICTE ने भारतीय छात्रों को नोटिस जारी करके पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं करने की सलाह दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को गोवा में पार्टी का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया में राजनीति में आए आजाद पिछले वर्ष कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उससे पहले वो बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और फिर टीएमसी में चले गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मंगलवार को ठाकरे ने हिंदुओं से अपील की थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए आजान होने की स्थिति में हनुमान चालीसा चलाई जाए। राज्य के कई इलाकों में पुलिस अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे को 2019 में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम के तहत एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने निचली अदालत से मामले में आरोप तय करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़े को लेकर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच मतभेद है। भारत सरकार की तरफ से आंकड़े WHO से 2 दिन पहले ही जारी कर दिए गए हैं और उसका कहना है कि ये बिल्कुल सही है। WHO इन आंकड़ों पर सवाल उठा चुका है। भारत ने कहा है कि 2020 में कोविड 19 से जान गंवाने वालों की संख्या 2019 से 4,75,000 ज्यादा है। मंगलवार को सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। केंद्र ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए कोविड अस्पतालों को राज्यों को सौंपने का फैसला किया है। इस संदर्भ में जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। निःशुल्क मिलने वाले इन संसाधनों का इस्तेमाल राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के साथ जरूरत पड़ी तो कोरोना के इलाज में भी हो सकेगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पहुंची है। यहां उन्होंने कहा कि यहां बहुत कुछ नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अपना अमेठी मॉडल भी वहां की जनता के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री ने वायनाड में हमारे दोस्तों के लिए अमेठी से प्यार के साथ शीर्षक वाला एक वीडियो भी ट्वीट किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे राहुल अमेठी में विफल हुए। Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT Neo 3 की आज यानी 4 मई को पहली सेल देखने को मिली। 5 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाने वाली कंपनी के दावे के अनुसार इस हैंडसेट की खरीद पर ₹7,000 का भारी डिस्काउंट दिया गया है। इस फोन की बड़ी खूबियों के बारे में भी अगर हम बात करें तो इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 8100, 5G प्रोसेसर, 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 150 W अल्ट्रा डॉट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना परिचय रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक महिलाएं बोडो साहित्य के विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन कर रही हैं। रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म जयेश भाई जोरदार अपनी रिलीज से पहले कानूनी मामले में फंसी हुई दिख रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसको फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। अब ट्रेलर में दिखाए गए प्रसव से पूर्व भ्रूण का लिंग निर्धारण परीक्षण कराते हुए दिख रहा है, जिसको लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारतीय डाक विभाग द्वारा देश भर में विभिन्न राज्यों में स्थित सर्कल के अंतर्गत डाकघरों में 38,926 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन 2 मई 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए आमंत्रित किए जा रहे हैं। डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक सबसे अधिक 4310 रिक्तियां तमिलनाडु सर्किल के लिए घोषित की गई है। वहीं इसके बाद 4074 ग्रामीण डाक सेवक के पद मध्य प्रदेश सर्किल के लिए निकाले गए हैं।
भारत में कोरोना वायरस के एक्स ई वेरियंट की पुष्टि होने के बाद में तमाम हेल्थ एजेंसीज और एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है। इसके अजीब लक्षण ऐसे हैं कि संक्रमित होने के बाद भी मरीज को कुछ पता नहीं चलता। ये वेरिएंट आरटीपीसीआर जांच को भी बाईपास करने या फिर धोखा देने में सक्षम है। पेट दर्द, उल्टी से लेकर सिर दर्द भी इसके लक्षण में शामिल है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मंगलवार शाम के बाद बुधवार सुबह भी बारा लाचा दर्रे में बर्फबारी हुई। इस कारण प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। दर्रे में हुई बर्फबारी को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने लेह जाने वाले वाहनों को दराचा में रोक दिया है, जबकि लेह की तरफ से आने वाले वाहनों को भी सतचू में रोका गया है। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने कई मुद्दों पर बात रखी है। स्वीडन के कई कंपनियां इस वक्त भारत में काम कर रही है। हमारी बातचीत इस दिशा में हुई कि किस तरह से दोनों देश आपसी साझेदारी को बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे निकाय के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी। बेशक प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसकी आजादी और स्वतंत्रता को लेकर तमाम बातें की जाती रही हों, लेकिन भारत में इसकी स्थिति ठीक नहीं है। अनगिनत मीडिया हाउस वाले भारत में प्रेस की स्वतंत्रता चिंताजनक है और इस मामले में भारत लगातार पीछे जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें नंबर पर है। पटना में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन होते ही यहां कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की भारी भीड़ को देखकर चोर और झपटमार भी यहां पर सक्रिय हो गए। पहले ही दिन दर्जन भर से अधिक महिलाओं के गले से चेन काट ली गई। पुलिस ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार और अन्य कई वीवीआईपी की मौजूदगी में मंदिर का उद्घाटन किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, मंटू कुमार, MKY13 भाई, मनीष कुमार, नौशाद शेख, दिव्यांशु सिंह, नीरज कुमार, राजू कुमार, सुजीत कुमार, वैद्यनाथ ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की कौन सी योजना आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।